रक्षक रक्षक थोड़ा सा ढीला। और अगर पैसे के लिए करता तो फिर मैं नहीं आने वाला था। अभी मैं हूँ द्रास में। अभी जो मेरी बाइक है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 15-20 किलोमीटर पहले है, एक विलेज उसमें है, और वहाँ पर हमें कुछ लोग मिले थे, काफ़ी हेल्प की हमारी। तो जैसे बोला जाता है कि द्रास काफ़ी ठंडा ठंडी जगह है, लोकल है। आप कहाँ के हो? मैं देहरादून से। आप देहरादून के हो, क्या बात है। चाय दिया दे दिया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। सो यार, अभी हम हैं बाइकर होम स्टे में, जो कि है भीमभट्ट के पास में, ऑन रोड है। आपको अगर आप चाहते हैं तो कारगिल वॉर मेमोरियल से जस्ट 1-2 किलोमीटर के दायरे में ये होम स्टे है। और इस होम स्टे में आपका जो प्राइजेस है, भैया ने बताया कि 300 रुपीज़ आपको पड़ेगा पर पर्सन, और साथ में अगर फूड वगैरह वो भी अच्छा है तो काफ़ी अच्छा है, और ऑन द रोड है तो इजी है, असेसिबल। तो और अभी जो है हमारा प्रोग्राम ये है कि बाइक को जो पंचर लगने के लिए गई है और वो आ जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, रात के यार बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और बस अभी जल्दी से वो ठीक हो जाएगी तो यार फिर आगे निकल पाएंगे। बाकी ठीक है, कल यार बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम हो गया, हमें लग नहीं रहा था कि इतना एक्सट्रीम हो जाएगा। और एक दिन पहले भी ये चीज़ हुई हमारे साथ फोटोस्कर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा, वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा हालत था। बट अभी जो है ये ठीक है, मतलब एडवेंचर नेक्स्ट लेवल का हो गया है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, और कीप सब्सक्राइबिंग यार। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी मेरी ले सीरीज़ 2022 की, और लद्दाख 2022 आई थिंक बहुत ही अल्टीमेट रहा। और अभी जो है अभी हम ऑलमोस्ट श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। श्रीनगर आई थिंक आज स्टे करेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो, बाकी सोनमर्ग वगैरह। और अभी हमें जोजिला जो है क्रॉस करना है, और बाकी जो लोग हैं वो भी अभी रेडी हो रहे हैं। तो अभी 9:30 बज गए हैं, और 9:30 बजे तक कोशिश करेंगे कि निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है कि यार जोजिला में जो है ना रोक देते हैं आगे जाने के लिए, ट्रैफिक रोक देते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखते हैं क्या करते हैं, और बाकी सब बढ़िया है। आपका नाम सर? बिग नेम डीजे। अच्छा अच्छा है, तो जावेद जी हैं। और मतलब यार थैंक यू वेरी मच, मतलब इतनी इतना लव एंड रिस्पेक्ट इन्होंने दिया यार, उसके लिए तो कुछ भी नहीं दे सकते हम। और अभी जा रहे हैं क्योंकि मेरी बाइक जो है इनके घर में ही खड़ी है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से बाइक को अपना रिपेयर करके लेके आएंगे। और यार इन्होंने पैसे भी नहीं लिए, मतलब कि क्या यार। सर आप लोग यहाँ हमारे जो कारगिल है इसको एक्सप्लोर करने आते हैं, तो आपसे पैसे लेना? अगर सिर्फ पैसे लेकर भी अगर आपने हमारी हेल्प की ना, वो भी एक अल्टीमेट। अभी रात को पता है, अगर मान लो अगर रात को हम वहाँ पे फंसे रहते तो क्या करते? सर फंसे ही नहीं रहने थे वो, हमें मैंने आपको बोला था मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत है सर। वो जब हम इधर आ रहे थे ना, तो उन्होंने भी हमें बोला कि ना आप ना अभी 17-18 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, तो आप मिलेगा नहीं आपको ना, आप वैसे ले आओ इसको। फिर मैं मेरे को बोला उस टाइम, क्योंकि अब नए लोग हैं तो फिर ऐसे ना अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो सही बात है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन जावेद जी का। तो अगर आप भी अगर इस रोड पे आते हैं, तो अगर कोई आपको ट्रैवल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाए सीधा आ जाओ मेरे पास। ये जो है यहाँ पर अपना एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, बाइक रेंट, क्या नाम है सर? K2 बाइकर्स के नाम से। ये सारा बर्फ, 5 फुट बर्फ आ जाता है यहाँ पे। ये रोड भी, ये रोड सारा सर, रोड में तो थोड़ा साफ कर लेते, मगर नीचे 2 फीट तो बर्फ जम के रहती है, तब गाड़ियों का जो हालत होता है तब पता चलता है। ये नदी कौन सी है? कैसे चलाते हो? ये द्रास रिवर। अब यहाँ पे हम वही बोल रहे हो ना सर, जैसे ठंड का हमें आदत हो गया, गाड़ी चलाने के लिए भी आदत हो चुकी है, हमें पता है कौन से में किस। 2 चादर, एक सफेद चादर में लिपटे बैठते हैं हम विंटर में, और समर में ग्रीन चादर में बैठते हैं। अभी ग्रीन तो हुआ नहीं ना पूरा, अभी कहाँ सर, अभी तो जस्ट स्टार्ट हो चुका है, जून तो जुलाई में होगा। सही कह रहे हो। अब वो एक वो लेके आऊँ इसका ना, और ये चाबी इसी में पड़ी है, मैं वो ढूंढ रहा था वहाँ चाबी रखी है।
नहीं मैं ले आया हूँ चाबी, दूसरी थी ना एक और, मैं ले तो आया। मैं रात में बोला तो था आपको। अरे वो रात को तो कुछ है मत, चल खर यहाँ पे मैंने ये सी नोटिस की, यहाँ कुछ नहीं होता। मैं वो लेकर ठीक है, क्या करेंगे हैं? वीडियोस देखते हो? हाँ? वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे? हाँ? किसकी देखते हो हैं? इतना क्यों शर्मा रहे हो यार, किसकी देखते हो बताओ तो सही। बच्चे कितने अच्छे हैं पीछे ना, मेरे वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे थे, वो हेलो कर रहे, मैं रुक नहीं पाया वहाँ पे, सब आगे निकल गए थे, मैं क्या रुक जाऊँगा तो फिर और वो वाला बंदा खराब हो गएगा, वो बंदा खराब, लड़ते रहो आपस में, मरते रहो। यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी हुई, बाइक की जगह होगी तो इसको 50 तरह के प्रॉपर फेरे जाएंगे। हाँ नहीं ले लेते हैं, थोड़ा सा ढीला टेड हो रहा था, ढीला करके लाऊं। अच्छा आराम से जाओ, हवा ठीक है? सब ठीक है, मक्खन हो गया, मक्खन मक्खन कर दिया आपने इसको। बिना बीम के बनाते हो? नहीं नहीं, पूरा पिलर लेंटर फिल्टर डलता है, पिलर डलता है सरी वाला, पूरा सरिया का 50-60 क्विंटल सरिया। नहीं मैंने ये कहा जैसे इसमें मैंने मसाला डाला। अच्छा इसमें सरिया नहीं जाएगा, इसमें खाली मसाला ही जाएगा, मसाला जाएगा ठीक है, उसके बाद एकदम से निकाल देते हैं बस एकदम। दूसरी अरे बिजली, अरे वाह क्या मस्त घर बनाया है। जितने भी हाई एल्टीट्यूड हैं वहाँ पर जो घर हैं उनमें वुडन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो मेन एक कारण है वो है ये कि ताकि जो घर है वो थोड़ा वार्म रहे। चलो ठीक है बाय। अभी हम जिस विलेज में हैं वो तसगांव है, और यहाँ से द्रास ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास है। द्रास जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में से आता है इंडिया के, यहाँ पे जो टेम्परेचर है -25 तक जाता है, और अगर बात करो तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे ट्रैक्स भी हैं और जो वॉर मेमोरियल है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है द्रास। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। मेरे राइट साइड में है कारगिल वॉर मेमोरियल जो कि द्रास में ही है, और ये डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर जो कि कारगिल वॉर के अंदर शहीद हो गए थे। सैल्यूट करता हूँ अगेन हमारे सोल्जर्स को। कल जो पुलिस वाले यार हमें रोक रहे थे कारगिल में, आई थिंक बिल्कुल सही था, क्योंकि यार लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि बाइक से आते हैं और वो द्रास में नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है होम स्टे के, बट आपको मिल जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि सीधा जोजिला क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जो कि रात में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो दैट्स वाई जो पुलिस वाले वहाँ पे वो रोक रहे थे, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो रोड है बहुत ही नैरो है, ट्रक्स वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण कि पुलिस वाले जो है एक टाइमिंग रखा हुआ है कि आपको 2 बजे तक आप कारगिल से क्रॉस कर सकते हो, देन और उसके बाद जो है वहाँ से जो सोनमर्ग की साइड से वहाँ से ट्रैफिक आता है। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम थोड़ी लोगों को होती है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो कारगिल में स्टे करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स जो हैं वो, जैसे कि हमें कल अगर जैसे बाइक के साथ हुई तो वो सब चीज़ें अगर होती हैं आपके साथ, तो कोई होम स्टे वगैरह बीच में नहीं था तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए जिसका, ताकि निकलें आप तो आप मॉर्निंग में जल्दी अगर निकल पाते हैं ठीक है, अगर 3 बजे के बाद आप कारगिल क्रॉस करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहीं पर रुक जाएँ, या फिर जैसे मैंने द्रास में एक दो होम स्टे है तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अपनी बाइक में एक बार यार एयर जो प्रेशर है वो चेक करा लेते हैं, क्योंकि आगे फिर कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये हवा डाल देना, हवा थैंक यू भैया थैंक यू। फटाफट ब्रेक लगाई है, तो फटाफट ब्रेक लगाई, 10 केले लिए, 2 फटाफट गड़प 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 किए उधर। आ जाओ, don't try to stop me, I exist to remedy your story, I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me, my whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great.
Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था क्योंकि एंड मतलब जो दराज के लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था। तो रात को जो कंडीशन थी और उन्होंने यार अपने आप कुछ किया। हाँ फिर 45 डिग्री मिल रहा है। एक मिनट आया बस। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास और ये जो पास है हमारी इस पूरी जर्नी का लास्ट पास है और इसके बाद हम श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर रुकेंगे, अभी सोनमर्ग आएगा, ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर है और उसके बाद श्रीनगर। और यार बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे तो रुकने का बढ़िया। अरे सोच रहे थे कि यार स्कूटर राइड की जाए बट अभी देखते हैं। धीरे धीरे सुनो सर, पहले शूट कर दो सर। इसका वेट नहीं होता कुछ भी है, देखो वेटलेस होता है, पानी की तरह पतला होता है। इसे महंगे महंगे हमारे पास 2 मिनट यूज़ करो फिर पता चलता है ये चीज़ क्या है। इसका शोरूम में जाएगा ना, इसी चीज़ का 10,000 होता है। हम बनाते हैं खुद जहाँ से आप है। आप कितने का देते? मैंने 4500। ये प्लेन ही है ना, और इसमें साइड में बॉर्डर करेंगे ना वर्क का, हाथ का काम, तो ये जाता 15,000 का, वो भी हमारे पास टोटली में। जोजिला अब तो काफी सही कर दिया वैसे, पिछली बार बहुत खतरनाक था ये, इतनी मिट्टी हो जाती थी यहाँ पे गिली वाली। चले यहाँ से टनल निकलेगी, ये देखो ये टनल यहाँ से निकलेगी सीधा वहाँ निकलेगी। कहाँ पे? उधर जो अपन चढ़ाई शुरू कर दी। फाइनली हमने जोजिला क्रॉस कर लिया है और अब सोनमर्ग में थोड़ा देर रुकेंगे और उसके बाद श्रीनगर आज का स्टे होने वाला है। और हालत थोड़ी सी खस्ता है हमारे भी और हमारी बाइक की भी, तो देखते हैं क्या सर्विस कराएँ इसकी कुछ कराएँ। और टायर चेंज किया था, अभी तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देखते हैं आगे का क्या हाल रहता है। काश नहीं दुपट्टे वाले। तो अच्छा लगा भी गाना, जहर लगा दे। सोनमर्ग में बढ़िया सा ब्रेक लेने के बाद अभी निकल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ और यहाँ से श्रीनगर ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर है। और अगेन मेरे साथ जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है बाइक वाली, बाइक की जो ब्रेक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगती यार।
अब मैं रॉयल एनफील्ड वालों को क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सा ठंडा करते हैं फिर निकलते हैं, दिल्ली पहुँच के ही होगा इसका ही कुछ इलाज जो भी होगा।